यार जब कोई इस तरह का केस आता है ना, वो अंदर से दिल को दहला देने वाला होता है। अब देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हुआ। यहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटी का एक इंसान था, उसके बच्चे की डेथ हो गई, वो बीमार हुआ बेसिकली, उसका एडमिट किया गया एक हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल जो था, जहाँ पे ये रहता था, इसका नेटिव प्लेस उससे 90 किलोमीटर के करीब दूर था। जब यहाँ पर इसकी बच्चे की डेथ हो गई यहाँ पर, तो ये जो बच्चा था बेसिकली, इसको अगर इसकी जो बॉडी है उसको गांव तक लेकर आना था, तो एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ पर 20,000 रुपये मांगे गए। 20,000 रुपये आप लोग समझ रहे हैं, एक ट्राइबल कम्युनिटी का इंसान, एक नॉर्मल इंसान भी अगर देखा जाए, एक बार उसकी भी खस्ता हालत हो जाए इस तरीके से 20,000 रुपये देने में, तो यहाँ पर ये लगा कि यार 20,000 रुपये तो नहीं होंगे। तो 90 किलोमीटर ये अपने बेटे की बॉडी को कंधे पर रखकर लेकर यहाँ पर आया, और फिर उसको बेसिकली अपने गांव में लाकर, जो भी वो अपना जो कार्यक्रम था, जो भी दाह संस्कार वगैरह, वो बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट किया। तो ये एक काफी एक ऐसी जो चीज है जो कि यहाँ पर कई बार सोसाइटी में देखने को मिलती है, और COVID-19 के टाइम पर ये बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। कई सारे ऐसे केसेस थे कि कई सारी महिलाओं की डेथ हो गई या फिर किसी पुरुष की डेथ हो गई, तो उसको यानी एक तरीके से कंधे पर रख के ले जा रहा है, कोई साइकिल के ऊपर बांध कर ले जा रहा है। तो ये एक तरीके से मतलब अलग ही लेवल की एक एक मतलब सोसाइटी में अगर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं अंदर तक झकझोर देने वाली होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कम से कम इतनी फैसिलिटी तो प्रोवाइड करा ही सकता है कि लोगों की अगर जैसे बॉडी है इस तरीके से, तो यहाँ पर उसके घर तक उसको पहुंचाया जा सके। तो इतना कम से कम किया जाना चाहिए, खासकर जो ट्राइबल कम्युनिटी जिसके बारे में अगर बात की जाए, उनके पास में रिसोर्सेज भी नहीं होते। तो ये कई बार ऐसी जो इश्यू होते हैं, पता नहीं अंदर से अजीब सा लगता है देख के। मैंने कहा एक तो बच्चे की डेथ हो गई, ऊपर से ऐसे इशू देखने को मिलते हैं, तो ये काफी बड़ी बात होती है अपने आप में, जिसके ऊपर कम से कम काम तो करना ही करना चाहिए। ठीक है, आज का डिस्कशन यार काफी शानदार रहेगा, कई सारी बातें करूंगा। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। डिस्कशन में काफी सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी यहाँ पर कम्युनल जो हेट स्पीच के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, और ये ट्विटर जो अभी यहाँ पर इलोन मस्क के द्वारा जो भी यहाँ पर एक्वायर किया गया है, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। और यहाँ पर ये अभी कई सारे और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हालांकि ये न्यूज एनालिसिस का पोर्शन है जो कि मैं आराम आराम से एक एक आर्टिकल करके कवर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोग के सामने एक कोटेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो काफी आप लोग इसको समझ भी पाएंगे। किस अगर सफलता के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो सिर्फ एक ही रहस्य है और वो है मेहनत। मेहनत से पीछे आप लोगों को नहीं हटना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बाकी भाग्य भी यार उसी का साथ देता है जो अपना साथ खुद देता है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, कोई भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, आप लोगों को आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। मतलब रिजल्ट आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, ढंग से अपना एक तरीके से रुकना नहीं है, लगे रहना है। एक टाइम ऐसा होगा कई कई सिलेक्शन आप लोगों के हाथ में होंगे, पर लेकिन वो तब होंगे जब आप लोग रुकोगे नहीं। अगर आप लोग रुक जाओगे तो फिर वो सिलेक्शन भी आप लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी है। तो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है, और यही एक तरीका भी होता है जिंदगी को सही तरीके से जीने का। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आज का जो मेंस का कोटेशन है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एससी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी लिखने के लिए कई बार आ जाता है आज की जा रही एजुकेशन के बारे में। तो बोला जा रहा है लिटरेसी इज ए ब्रिज फॉर मिजरी टू होप, यानी कि जो एजुकेशन है, साक्ष जो शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं अगर आप लोग किसी को शिक्षा देते हैं तो उसके लिए आशा रहती है एक तरीके से, उसके दुखों से उसका बेसिकली एक सुख उसको जिंदगी मिल पाए। तो साक्षरता एक ब्रिज यानी कि एक पुल का काम करती है, तो एजुकेशन इतना बड़ा रोल प्ले करती है। तो कोफी अन्नान साहब के द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने 2019 में यहाँ पर पूछा गया था यूपीएससी में प्रीलिम्स के अंदर में। तो बोला गया कि कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो कि आप लोगों को अधिकार देता है कि आप लोग किसी अपने चॉइस के इंसान से सॉरी यार आप लोग किसी अपनी चॉइस के इंसान से शादी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, तो इस आर्टिकल के बारे में आप लोगों को बताना है। सीधा सीधा है, बेसिकली फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे पार्ट थर्ड के अंदर में। तो ये आप लोगों को बेसिकली यहां पर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्या हो गया तो इसके बारे में आप लोगों को यहां पर आंसर देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो मैंने भी आप लोगों को यहां पर पढ़ाया भी था, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बोला जा रहा है कि इसमें कौन कौन होता है इसका पार्ट। बात की जा रही है रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरा रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, इसी के साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रेस्पेक्टिव स्टेट जो इलेक्शन कमिश्नर। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है नोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में। तो कहां पर सिचुएटेड है ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में रही यहां पर। तो बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में आप लोगों को देखना है। आर्टिकल बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, पर जो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ये है काफी एक शानदार आर्टिकल जो कि इलोन मस्क के बारे में है, और यहाँ पर इनके द्वारा अभी ट्विटर को खरीद लिया गया है। तो उसके चलते यहाँ पर एक कार्टून भी है, अगर मैं आप लोग कार्टून दिखाऊं तो यहाँ पर ये कार्टून है आप लोगों के सामने। इस कार्टून को देखकर आप लोग 40 से 50 शब्द लिख सकते हैं जो भी आप लोगों के दिमाग में आए।
तो अपना लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस कार्टून को देखकर। तो क्या आप लोगों के दिमाग में आ रहा है इस कार्टून को देखकर, आप लोग जरूर बताएगा, जिससे कि जान पाए कि हाँ किस तरीके से चीजें क्या क्या चल रही हैं। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से एक लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। बाकी आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, उससे बहुत कुछ आप लोग जान पाएंगे। अगर यहाँ पर ट्विटर के बारे में हम लोग बात करें, तो अभी यहाँ पर बेसिकली ये बोला जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप याद आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर इलोन मस्क के बारे में बात करते हैं। इलोन मस्क साहब के द्वारा ये बोला गया कि ट्विटर जो है वो बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा फ्री किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर लोग जो है फ्री स्पीच का फायदा उठा सकें। पर लेकिन फ्री स्पीच और हेट स्पीच में कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि अब तक ट्विटर को रोका गया था हेट स्पीच फैलाने से, तो यहाँ पर इलोन मस्क को यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि फ्री स्पीच जो है वो हेट स्पीच में कन्वर्ट न हो जाए। अगर आप लोग ट्विटर के साथ में कनेक्टेड हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने यहाँ पर रीट्वीट किया था इलोन मस्क का जो ट्वीट था। यहाँ पर इसमें इनके द्वारा बोला गया है कि मैं चाहूंगा कि मेरे जो क्रिटिक हैं, यानी कि जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, जो मेरे लिए नेगेटिव बोलते हैं, वो भी ट्विटर पर रहे, वो ट्विटर को छोड़ के ना जाए। यानी कि एक तरीके से ये चाहते हैं कि एक तरीके से फ्री स्पीच का मतलब ये कि उनके जो क्रिटिक हैं वो भी ट्विटर पर बने रहे। ठीक है, तो एक तरीके से इस तरीके से चाहते हैं ट्विटर को एक तरीके से डेवलप करना। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये कितने सारे लोगों के द्वारा इसको रीट्वीट किया गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखते हैं। और इसी के साथ में इनके द्वारा यहाँ पर ये जब फ्री स्पीच की बात इनसे पूछी गई, तो इनके द्वारा काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया कि फ्री स्पीच का मतलब क्या है। फ्री स्पीच का मतलब है कि जहां पर बेसिकली कानून के साथ मैच कर सके, यानी कि जो कानून के द्वारा अलाउ कर रखा है वो अलाउ हो, कानून को ब्रेक कर कर नहीं, पर लेकिन हाँ कानून के दायरे में यहाँ पर चीजें होनी चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पर इनके बारे में बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर सेंसरशिप के अगेंस्ट है, यानी कि एक तरीके से चीजों को रोक देना कंप्लीटली, हाँ, पर लेकिन ये भी नहीं कि कानून के बाहर जाकर काम करना है। तो वो चीजें कानून को ध्यान में रखते हुए बेसिकली यहाँ पर काम करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कानून पास किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम किया जाएगा। तो इस तरीके से लोगों को भी फायदा होगा और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, इस तरीके से चीजों को लेकर चलने वाले हैं। तो देखते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे चीजें। बोली तो बहुत सारी बात की गई है इनके द्वारा कि इलोन मस्क ये क्या क्या करने वाले हैं, तो बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर जिसके चलते इनके द्वारा बोला गया कि जो भी एल्गोरिदम होते हैं यहाँ पर जो भी छुपी रहती है एक तरीके से, उसको जो है ये एक पब्लिक में लेकर आ पाएंगे कि कौन सी पोस्ट यहाँ पर ट्रेंड कर रही है। इसी के साथ में यहाँ पर जो स्पैम जो बूट होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, और आर्टिकल के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका दो तीन जगह जिक्र किया गया है। तो ये क्या होता है, देखिए आज की डेट में ना बहुत सारे ऐसे अकाउंट बन जाते हैं जो कि यहाँ पर एक नहीं बूट की हेल्प से अकाउंट बनाए जाते हैं। वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे कि कोई इंसान यहाँ पर ट्वीट कर रहा है। ठीक है, उस इंसान की तरीके से बिल्कुल यहाँ पर एक प्रोफाइल तैयार की जाती है, और हजारों ऐसे बूट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर इनको भी यहाँ से खत्म किया जाएगा, और यहाँ पर सबके अकाउंट जो है वेरीफाई किए जाएंगे। यानी कि जैसे मेरा अकाउंट है यहाँ पर, अगर इसको वेरीफाई कराना है प्रॉपर, और तो यहाँ पर जैसे मेरा मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आए, ठीक है, इसी के साथ में मेरी कोई वैलिड आईडी यहाँ पर मांगी जाए, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ ये मेरा ही अकाउंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया, अगर मेरा ही अकाउंट है तो बस यही अकाउंट रहेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा अकाउंट जो कि बूट के थ्रू बना हुआ है वो तो यहां पर कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो ये बातें इनके द्वारा की जा रही है, इनके और ज्यादा जो एक तरीके से प्रोडक्टिव और लीगल चीजें आप लोगों को ट्विटर पर देखने को मिलेगी, ये बातें यहां पर इनके द्वारा बताई गई है। ठीक है, अभी यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं, जो कई सारी बातें भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी जिसको आप लोगों को अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा ढंग से। ठीक है, जैसे कि यहां पर इनके द्वारा ये खरीद लिया गया है। ठीक है, तो पूरा ट्विटर खरीदा गया, तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है फ्री स्पीच के बारे में, और यहां पर इस आर्टिकल में सबसे पहली स्टेटमेंट यही देगी कि फ्री स्पीच और हेट स्पीच में डिफरेंस आप लोग करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यहां पर एक बार कुछ बातें बताना चाहूंगा जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे, और यहां से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखिए, अगर हेट स्पीच के बारे में बात करते हैं और फ्री स्पीच के बारे में बात करते हैं, तो कई बार इनमें डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग सोचिए, मान लीजिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाते टाइम मैंने लेक्चर में कुछ ऐसा बोल दिया कि कुछ के ऊपर उसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया और कुछ के ऊपर उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, और उस इंपैक्ट की वजह से कुछ तो लोग ऐसे शांति बैठ गए, पर लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने दंगा फसाद भड़का दिया। ठीक है, तो यानी कि लेक्चर को सुनने के बाद में अगर दंगा फसाद भड़क गया, वही स्पीच जो कि सुनकर कुछ इंसान शांत रह गए, तो यहां पर हेट स्पीच क्या हो गया, उसकी वजह से दंगा फसाद भड़क गया, कई सारे लोगों को चोट लग गई, तो ये हेट स्पीच की कैटेगरी में आ गया। पर लेकिन अगर किसी का कोई इंपैक्ट नहीं है, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो हेट स्पीच नहीं है। तो यानी कि एक चीज को डिफाइन करना, इसके बीच में एक बड़ी महीन सी लाइन होगी, पतली सी लाइन होगी, जिसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये हेट स्पीच है या फिर ये फ्री स्पीच है। अगर फ्री स्पीच की कैटेगरी में आप लोग बात करेंगे, तो फिर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा राइट टू फ्रीडम। हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे, तो पार्ट थर्ड में आप लोगों को यहां पर फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, तो उसमें बात की जाती है राइट टू फ्रीडम के बारे में। और राइट टू फ्रीडम के अंदर में जब आर्टिकल 19 के अंदर आप लोग जाते हैं, तो पहला ही आर्टिकल जो है यहां पर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं आप लोगों के लिए।
और यहीं से ही आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर खासकर अगर आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों के लिए मीडिया निकल कर आता है, यानी कि इसके अंदर जो 19 का 1 का A है इससे मीडिया निकल कर आता है, तो ये आप लोग देखेगा, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहाँ पर कमाल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जिसके चलते हम लोग इतनी सारी चीजें जो है वो अपने देश में कर पाते हैं, कहीं पर भी घूम पाते हैं, अपने खुद के हम लोग बेसिकली कहीं पर भी इकट्ठा होकर असेंबली कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर बिना हथियारों के, कोऑपरेटिव हम लोग बना सकते हैं, यूनियन हम लोग बना सकते हैं, अपने देश में कहीं पर भी घूमकर हम लोग काम कर सकते हैं, कोई भी कहीं पर भी जाकर हम लोग रह सकते हैं। तो ये फ्रीली हमको अधिकार मिले हुए हैं बेसिकली हमारे संविधान के द्वारा, तो ये हम लोग फॉलो कर सकते हैं। पर लेकिन इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये है तो हमारे पास में अधिकार, पर लेकिन यहाँ पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इसके ऊपर लगाई जाती है। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है ताकि कल को चलकर यहाँ पर कोई उल्टी सीधी हरकतें देखने को न मिल सके। तो उसी के चलते यहाँ पर ये जो आर्टिकल है यहाँ पर दो जगह कवर किया गया, एक तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पोर्शन में और दूसरा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आप लोगों को दोनों जगह का इकट्ठा करके आप लोगों को बताऊंगा, और भी कई सारी एक्स्ट्रा बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। जैसे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसके द्वारा रिसेंटली यहाँ पर पब्लिश किया गया एक मैनुअल, तो उसमें इनके द्वारा साइबर हरासमेंट केस के बारे में बातें की गई। तो यहाँ पर भी इन्होंने हेट स्पीच को डिफाइन किया, यानी कि जनरली हेट स्पीच जो है वो ज्यादा डिफाइन नहीं है, पर फिर भी उसको कोशिश की जा रही है कि हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए ताकि उसके ऊपर अगर कोई हरकतें करे तो यहाँ पर टारगेट कर उसको केस को बेसिकली लिया जा सके और यहाँ पर इन चीजों को रोका जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर कोई इंसल्ट कर रहा है, किसी के तरीके से थ्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीजें देखने को मिलती है यहाँ पर। किसी भी तरीके से रिलीजियस के नाम पर, कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन के नाम पर किसी भी तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो ये हेट स्पीच की कैटेगरी में आ जाती है। और हेट स्पीच के बारे में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री में जो लॉ कमीशन है उसके द्वारा 267 जो रिपोर्ट है इसे भी हेट स्पीच के बारे में बात की गई है कि हेट स्पीच को कैसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेट स्पीच जो है यहाँ पर एक तरीके से जो इनके द्वारा डिफाइन करने की कोशिश की गई है, तो एक तरीके का इंसाइटमेंट यहाँ पर बोला गया, यानी किसी को इंसाइट करना, किसी को उकसाना, ठीक है, एक तरीके से एक किसी ग्रुप को, किसी पर्सन को यहाँ पर किसी एक तरीके से कास्ट के खिलाफ उकसाना, ठीक है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी एक तरीके से नहीं, एक धार्मिक विश्वास के खिलाफ किसी को उकसाना, यहाँ पर किसी जेंडर के खिलाफ, किसी अभिव्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन करना, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर फिर से यहाँ पर वो लाइन लिख दी गई है इसके द्वारा भी, यानी कि लो कमीशन भी यहाँ पर बोल रहा है कि भाई साहब पर्टिकुलरली यहाँ पर ये टफ है कि आप लोग उसको फ्री स्पीच बोलोगे या हेट स्पीच आप लोग बोलोगे, ये काफी टफ यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी ने कोई भाषण दिया, वो भाषण सुनकर लोग चले गए, किसी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, पता चला वही भाषण सेम कहीं और जाकर दिया, वहां पर लोगों की झड़प हो गई, मतलब लोग जो है सड़ पड़े, उनके सींग लड़ गए, तो यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाए। तो सोच समझ कर काम करना पड़ेगा फ्री स्पीच और हेट स्पीच के ऊपर, ये काफी बड़ी दिक्कत यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आती है जिसके ऊपर यहाँ पर चीजों को समझ कर चलना पड़ेगा। तो उसी को समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि फ्री स्पीच और हेट स्पीच में क्या क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और हाँ एक और बात यार फिर मैं भूल जाऊंगा, कल जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड की गई थी जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटिको कैसे कवर करना चाहिए आप लोगों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 10 से 11 के करीब आप लोगों को पॉइंट बताए हैं, मतलब ये पॉइंट क्या बेसिकली कुछ आप लोग देखने को मिलेगा, एक एरिया है जो कि आप लोग कवर करके जाना चाहिए। और इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, जो आप लोग ये वीडियो देखोगे आप लोगों को ये लगेगा यार ये तो हम लोगों ने कई बार कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट देना पड़ेगा, तो इसके ऊपर आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। और पॉलिटी जो है लगभग आप लोगों के 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलते हैं, तो इससे आप लोग एक सही डायरेक्शन अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं, तो इसके ऊपर आप लोग जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ कर चलना पड़ेगा। बाकी PDF सारी आप लोगों को प्रोवाइड करा देती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ में आंसर राइटिंग में 2 क्वेश्चन भी डेली आप लोगों को पोस्ट करता हूँ, तो कई सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर जाकर अपने आप लोग आंसर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे का आंसर भी आप लोग रिव्यू कर ले कीजिए, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर SLV PDF पर मैंने कल सारी चीजें प्रोवाइड करा दी थी जो आप लोग की बची हुई थी। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था लगभग इस वीक के एंड तक, थोड़ा सा अभी मैं बाहर हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, कई बार PDF थोड़ी लेट हो जा रही है, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों का थोड़ा चीज़ें सुधर जाएंगी, तो मतलब जैसे ही मैं अपना जो नहीं जहाँ पर मैं सारी चीज़ें परमानेंट रखता हूँ वहाँ पर पहुँचूंगा, क्योंकि बाहर कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, आप लोग देखते हैं थोड़ा सा वीडियो में भी अपलोड करने में देरी हो जा रही है, पहले 7 बजे से पहले आ जाती थी, थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो ये भी एक इशू चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि सब जगह मेरा जो रूम है वहाँ पर तो इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी खासी रहती है, पर लेकिन यहाँ पर वो वाली फैसिलिटी नहीं मिल पाती है कई बार, तो इसकी वजह से यार ये दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लो, लेक्चर नहीं रुकेगा ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, वो देखिए मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि बनाने के बाद में अपलोड करने में दिक्कत आती है कई बार, ठीक है, बड़ी हो जाती है, तो वो थोड़ा सा उसकी वजह से आप लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी जहाँ पर टाइम मिल रहा है आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा वीडियो भी आती रहेगी जिससे कि आप लोग अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दे सकें, ओके। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, तो इसको आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर हमारी कंट्री में हेट स्पीच के बारे में बात करें, क्या कोई हमारी कंट्री में इसको लेकर कानून बना हुआ है, तो यहाँ पर सेक्शन 153A, सेक्शन 153B,
सेक्शन 295A, सेक्शन 5051 और सेक्शन 5052। तो ये सारे इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के ये सेक्शन है आप लोगों के सामने, जो कि यहां पर एक तरीके से हेट स्पीच को रोकने का काम करते हैं। यानी कि वही बात यहां पर की जा रही है, अगर कोई दो समूह के बीच दुश्मनी या नफरत पैदा करता है तो यहां पर उसको दंडित किया जाएगा, हेट स्पीच की कैटेगरी में इसको डाला जाएगा। तो इसी के साथ में अगर कोई जानबूझकर दुर्भाव जो एक तरीके से ना दुर्भावनापूर्ण इशारे करता है, कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो यहां पर ये सेक्शन है जो कि 295 इसके तहत यहां पर पनिश किया जाएगा। कोई ऐसी सामग्री प्रमोशन करता है जिसकी वजह से दो समूह के बीच में झड़प हो जाती है, एक तरीके से नहीं कोई सिंबल दिखाना, कुछ ऐसी चीज दिखाना, यहाँ पर पब्लिश करना, कुछ ऐसे कंटेंट को पब्लिश करना, तो इल विल से, गलत इच्छा से, तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन हेट स्पीच को रोकने के लिए तो अगर बात करूं मैं आप लोगों से, हमारी कंट्री में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, आप लोगों को पता है यहाँ पर 1951 वाला, और यहाँ पर ये वाला सेक्शन इसका 8 है। इसी के साथ में यहाँ पर सेक्शन ये 123 और सेक्शन 125 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का, ये भी बोलता है हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियन है उनको भी हरकतें करने से रोकता है, कि वो भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर सकते, किसी के ऊपर टिप्पणी इस तरीके से नहीं कर सकते, किसी के बारे में फालतू की बातें नहीं बोल सकते, उनको भी यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करने से रोकता है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, इसको लेकर भी आप लोग के माइंड में जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि हमारे ऊपर भी यहां पर रोक लगा हुआ है, आप लोगों को पता है आर्टिकल 191A के तहत यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसमें यहां पर 19 जो जो यहां पर उसमें बात की मैंने आर्टिकल के अंदर में, उसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है आप लोगों के ऊपर, फंडामेंटल राइट है पर लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है कि एक लेवल पर जाकर आप लोगों को यहां पर रुकना पड़ेगा। पर लेकिन यहां पर कई सारे कोर्ट के डिसीजन भी हैं जिसके ऊपर काम करने की बात की जाती है। कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट यहां पर बोलता है जैसे कि अगर बात की जाए यहां पर एस रंगराजन आदि बनाम वर्सेस यह जगजीवन राम 1989 का केस। तो यहां पर ऐसा नहीं कि आप लोग यहां पर फ्री स्पीच को जो है वो सप्रेस करना ये सपोर्ट कर दें, एक तरीके से नहीं कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसको यहां पर सप्रेस करना स्टार्ट कर दें ये बोल करके यहां पर ये तो हेट स्पीच चल रही है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कानून भी गलत तरीके से मिसयूज नहीं करना है यहां पर, यानी कि लोगों को अधिकार जो मिले हुए हैं उनके अधिकार यहां पर बरकरार रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग कानून का नाम ले लेकर लोगों को फ्री स्पीच ही ना करने दो। तो ये आर्टिकल भी आप लोग यहां पर देखते हैं, ये केस आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ में ये केस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, श्रेया संगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, सेक्शन 66A के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, ठीक है। तो ये 19 का जो 1 है उसका A के बारे में बात करेंगे, तो इसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके चलते फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो इसके चलते यहाँ पर जो एक डिस्कशन होता है जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखना है तो उसको किस तरीके से लेकर चलना है। कई बार कोई किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ अगर यहाँ पर कमेंट कर देता था तो उसको पकड़ लिया जाता था, तो ये कई बार इसका मिसयूज किया जाता था, आज के टाइम में मिसयूज किया जाता है, जबकि यहाँ पर इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया है। तो ये भी यहाँ पर बेसिकली कई बार न्यूज में देखने को मिलता है, और इससे तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आप लोग बन चुके हैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो इलोन मस्क साहब जो है वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो उसमें उनको ये देखना पड़ेगा कि हेट स्पीच की कैटेगरी भी तो है, उसको रोकना पड़ेगा, जो कि आज के दिन में ट्विटर पर काफी हद तक रोकी जा रही है। हमारी कंट्री में अभी कल भी कई सारे यूट्यूब जो है उनको बैन किया गया, जो कि हेट स्पीच फैला रहे हैं, फालतू की बातें ज्यादा बोल रहे हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस बनाकर कैसे चलना है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते बात की जा रही है कि हेट स्पीच सही है, आने वाले टाइम में एक अच्छा काम कह रहा है, सोशल मीडिया जो हैंडल है यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हेट स्पीच फैलाई गई थी उस टाइम पर, आप लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो बातें बोली गई काफी कुछ झड़प यूएसए के अंदर हो गई थी, ठीक है, सब जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस पे चढ़ गए थे, तो उसके चलते ट्विटर ने उनका अकाउंट डिलीट कर दिया था। तो क्या उनका अकाउंट यहाँ पर वापस आएगा तो भी देखने वाली बात है। अभी यहाँ पर एक TED कॉन्फ्रेंस के तहत यहाँ पर इलोन मस्क साहब बोल रहे थे यहाँ पर, तो वो अभी यहाँ पर इस फ्री स्पीच के बारे में बातें कर रहे थे, तो उसकी भी बातें यहाँ पर बताई जा रही है कितना फ्री स्पीच यहाँ पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो देखने वाली बात होगी। आप लोग चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, थोड़ा सा सुना था मैंने भी इस वीडियो को, यहाँ पर बेसिकली आप लोग भी सर्च कर सकते हैं जाकर अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है थोड़ा सा। तो इलोन मस्क साहब जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि इसके बारे में कैसे कैसे चीजों को लेकर चला जाना चाहिए, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से सही डायरेक्शन में कैसे रखना है वो एक बैलेंस बनाकर चलने वाली बात होगी। इसी के साथ में यहाँ पर एल्गोरिदम के बारे में इनसे बात की, तो इनके द्वारा बोला गया कि एक तरीके से जो बूट स्पैम जो यहाँ पर बेसिकली जो बूट्स हैं, जो स्पैम बूट्स हैं, जो फालतू की चीजें बनी हुई हैं उनको हटाया जाएगा, एल्गोरिदम जो है पब्लिक में लाई जाएगी, कैसे कैसे चीजें चल रही हैं सबके सामने रखी जाएंगी चीजें। तो उसके चलते अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर एक बात और हो जाएगी, अभी इलोन मस्क साहब के अगर मैं आप लोगों को एक बार फॉलोवर दिखाऊं, एक सेकेंड फॉलोवर
फॉलोवर नहीं दिख रहे हैं, हमारे तो दिख रहे हैं ठीक है। इलोन मस्क वाले फॉलोवर एक तरीके से नहीं दिखे ठीक है। तो 80 मिलियन के करीब यहाँ पर इनके फॉलोवर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ठीक है। तो बोला ये गया कि अभी आपके फॉलोवर हैं यहाँ पर, तो अभी आप लोगों को फॉलोवर के तरीके से नहीं, अभी आप ओनर हो जाओगे। तो कैसे इसको लेकर चलने वाले हो, तो वो देखने वाला मुद्दा यहाँ पर होगा। तो ये काफी बड़ी बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो आने वाले टाइम में कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बातें हैं ठीक है। तो कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कल को अगर कोई भी यहाँ से कुछ बातें पूछे तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए इसके बारे में ओके। तो ये थी बेसिक चीजें। वैसे एक और आर्टिकल यहाँ पर है, ये ट्विटर के बारे में ही है, यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की जा रही है। और ये जो आर्टिकल है ये आप लोगों के सामने टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का आर्टिकल देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर जो इलोन मस्क के साहब के द्वारा यहाँ पर ट्विटर खरीदा गया, कई सारे लोग इसको गलत तरीके से भी देख रहे हैं ठीक है। एक पर्टिकुलर पर्सन के अंडर में यहाँ पर सारी चीजें आ गई हैं ठीक है। तो यहाँ पर अभी इनके द्वारा जो ट्विटर खरीदा गया, ये तो आप लोगों को पता है यहाँ पर कि 44 बिलियन डॉलर में खरीदा गया है ठीक है। रुपी में अगर कन्वर्ट करना होगा इसको, तो देखना आप लोग कन्वर्ट करके यहाँ पर इसको लगभग 70 से मल्टीप्लाई कर लेना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि क्या औकात है इस इंसान की ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ला और स्पेस एक्स के ओनर है यहाँ पर ये, तो इनके द्वारा यहाँ पर जो ये खरीदा गया है, अभी यूएसए और यूरोपियन यूनियन के जो रेगुलेटर हैं उनके द्वारा भी डील को अप्रूव कर दिया गया है। तो अभी यहाँ पर कई सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो मुझे पर्सनली एक चेंज जो मुझे चाहिए ट्विटर के अंदर में, जो मुझे लगा मैंने कई बार फील किया है, वो चेंज क्या है, अगर कोई ट्वीट आप लोग कर देते हो ना, वो ट्वीट के अंदर आप लोग एडिट नहीं कर पाते हो। मैंने गलती से कोई आप लोगों ने शब्द गलत लिख दिया, या फिर कोई एक तरीके से जो आप लोग का, ये कई बार क्या होता है कि अपने आप वर्ड ले लेता है अगर आप लोग टाइपिंग करें ना, तो उसमें जो एक ऑटोमेटिक जो सेल्फ वाला जो वर्ड होता है वो ले लिया कोई गलत, आप लोगों ने जल्दी जल्दी में ट्वीट कर दिया, तो वो वाली दिक्कत देखने को मिलेगी। इसमें एडिट का बटन नहीं होता है, जबकि सारी सोशल मीडिया हैंडल पर आप लोग का एडिट का बटन देखने को मिलेगा। कई बार देखने को मिलता है जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें डेट चेंज करना भूल जाता हूँ, अगर यूट्यूब उसको टाइटल को चेंज ना करने दे तो पूरे दिन जो है उसी डेट की वीडियो चलती रहेगी, तो ये गलत चीजें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये, तो यहाँ पर एडिट का बटन यहाँ पर देना चाहिए, ताकि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी इंसान जो है वो इस तरीके से चेंज कर सके, तो ये देखने को मिलेगा। दूसरा, एल्गोरिदम को जो एक तरीके से कह रहे हैं पब्लिकली रखा जाएगा, तो ये तो यूट्यूब को भी करना चाहिए, कैसे कोई वीडियो जो है वायरल कर देता है, कैसे कोई वीडियो जो है वो चलती नहीं, उसके बारे में जनता को पता होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिदम आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो ऐसे कंटेंट है जैसे फालतू की चीजें बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी, उल्टे सीधे वल्गैरिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, ये ऐसी ऐसी चीजें दुनिया भर की बेसिकली रिकमेंड की जाती है और दुनिया भर के लोग इनको देखते हैं। पर लेकिन पढ़ाई का कॉन्टेंट आप लोग देख लो, कोई कोई वीडियो ऐसी होगी पढ़ाई की जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी ट्रेंडिंग में, आज की डेट में पढ़ाई का कंटेंट देखने को मिलता ही नहीं है। मतलब पढ़ाई का कंटेंट जो है लोग इतनी मेहनत करते हैं, इस तरीके से पढ़ाते हैं, जितने भी आप लोगों ने देखे होंगे अलग अलग दुनिया भर के चैनल है यूट्यूब पर जो आज के डेट में अलग अलग चीजें पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं और एक सही चीज आप लोगों तक पहुंचाते हैं, पर लेकिन उनके चैनल पर आप लोग व्यूज देखना ठीक है कि मतलब कितने कम व्यूज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो पढ़ाई का कंटेंट को प्रमोट ही नहीं किया जा रहा है। पहले यूट्यूब पर एक सेक्शन हुआ करता था जिसमें जो मुझे लगता था पर्सनली, जिसमें नहीं एक तरीके से कि इसमें पढ़ाई की वीडियो ट्रेंडिंग में आएगी, यहाँ पर ये वाली ये सॉन्ग्स ट्रेंडिंग में आएंगे, यहाँ पर ये पर्टिकुलर वीडियो, तो वो वाला सेक्शन अच्छा लगता था, उसको चेंज कर इन्होंने पूरा एंटरटेनमेंट बना दिया उसको, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये एल्गोरिथम का खेल है सारा, अगर यहाँ पर चेंज किया जाए तो काफी कुछ यहाँ पर चेंज आ सकता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो पर्सनली एक तरीके से ये सारे सोशल मीडिया हैंडल पर होना चाहिए। और देखिए जैसे जैसे यहाँ पर ट्विटर पर चेंजेस होंगे ना आने वाले टाइम में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर भी प्रेशर पड़ने वाला है इसके चेंजेस की वजह से ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में काफी कुछ आप लोगों को अच्छा भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है, तो वो देखते हैं कितना अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो तो आने वाले टाइम में ही यहाँ पर पता चलने वाला है। अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि रिस्टोर कर दिया जाएगा जो बेसिकली ट्रंप का अकाउंट है, क्या वो रिस्टोर होगा, तो उसके बारे में अभी पता चलेगा आने वाले टाइम में। अभी देखते हैं यहाँ पर हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ट्रंप साहब आते हैं या फिर नहीं आते हैं, या फिर ट्रंप साहब जो है अपनी लाइफ अपने ही सोशल मीडिया हैंडल पर एंजॉय करेंगे, तो वो तो बात की बात होगी यहाँ पर ठीक है। तो ये चीज अभी आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, पर हाँ कुछ ना कुछ बड़े चेंज होने वाले हैं। अभी ट्विटर के जो आज के डेट में ट्विटर को एक इंडियन पर्सनैलिटी हेड कर रहे हैं, उनका नाम क्या है आप लोग उनका नाम बताइए, देखता हूँ किस किस को बताए। तो अभी यहाँ पर उनके द्वारा कुछ कमेंट किए गए थे नेगेटिव कि ट्विटर का जो भविष्य है वो अभी काला दिख रहा है, ट्विटर का तो पता नहीं, पर लेकिन अगर इस तरीके कमेंट किए जाएंगे इलोन मस्क जो है आपका भविष्य जरूर काला करेगा। हालांकि उनका भविष्य काला होने वाला नहीं है, उनको दुनिया भर का पैसा मिलने वाला है, लगभग 41 या 42 मिलियन रुपीज उनको मिलेंगे, डॉलर उनको मिलेंगे अगर यहाँ पर उनको हटाया जाता है। तो ये उनकी तो जिंदगी खैर सेट हो रखी है, पर हाँ ये है कि आने वाले टाइम में काफी कुछ चेंजेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ठीक है। एक आर्टिकल और है यहाँ पर, ये जो आर्टिकल है इसके बारे में मैं कई सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा।
देखिए हर एक देश ना अपने आप को महान दिखाने की कोशिश करता है, और उसमें यूएसए सबसे ऊपर है। यूएसए बोलता है कि मैं दुनिया में सबसे महान देश हूँ। महान देश हूँ मतलब मैं बताऊंगा दुनिया के अंदर जो देश हैं उनको कैसे चलना चाहिए, दुनिया के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, उनकी रेटिंग उनकी रैंकिंग मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अभी यहाँ पर यूएसए के अंदर में अगर आप लोगों को बात करूँ, एक पर्टिकुलर ये एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि इंटरनेशनल में कहाँ कहाँ फ्रीडम है उसके बारे में यहाँ पर ये इनकी एक कमीशन है, ये बताती है। ये कमीशन बताती है कि कैसी कंट्री क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। जैसे अभी इंडिया को इनके द्वारा कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी का मतलब ये होता है कि इस कंट्री के अंदर में रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में चल रहा है। ऐसी बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, रिलीजन खतरे में चल रहा है, फिर माइनॉरिटी खतरे में चल रही है, ऐसी बातें भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है यूएसए के द्वारा जो तैयार की जाती है, इसने हमको नहीं 15 कंट्री को इस कैटेगरी में डाला। उस 15 कंट्री में आप लोग यहाँ पर इंडिया के साथ साथ में आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान भी देखने को मिलेगा इस सेम कैटेगरी सेम कैटेगरी में। इवन चाइना भी आप लोगों को सेम कैटेगरी में देखने को मिलेगा, हमारे साथ में इनको डाल रखा है। नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो कि इसका लंगोटिया यार है उसको भी यहाँ पर इन्होंने इसी कैटेगरी में डाल दिया है। ईरान तो इस कैटेगरी में रहेगी, वो तो बेसिक सी बात है। रसिया को भी इसी कैटेगरी में इनके द्वारा डाल दिया गया। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा अफगानिस्तान की तो नॉर्मल सी बात है, वो तो हो गई इनके हिसाब से अगर बात की जाए तो। इसी के साथ में आप लोगों को तजाकिस्तान हो गया, इसी के साथ में वियतनाम हो गया, वियतनाम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसकी कैटेगरी में डाला गया है। म्यांमार भी यहाँ पर इसी कैटेगरी में डाल दिया जिसको बर्मा आप लोग बोलते हैं। तो ये टोटल मिलाकर 15 ऐसे देश इनके द्वारा इसकी कैटेगरी में डाल देंगे जिसको बोला गया इनके द्वारा बेसिकली कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर रिलीजन जो है उसके चलते माइनॉरिटी जो है उनके ऊपर कई सारे एक तरीके से टारगेट इनके ऊपर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, और इसके चलते यहाँ पर ये टारगेटेड सेंक्शन भी लगा सकते हैं। यानी कि ये एक तरीके से अपने आपको यूएन समझ लेते हैं कभी कभी, इनको लगता है आप नीचे भगवान है, यानी कि यूएन मान लेते हैं अपने आपको, इनको लगता है कि जो हम चाहेंगे दुनिया में वही होगा। तो अभी यहाँ पर ऐसा ही कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके चलते यहाँ पर यही चीजें यूएसए के अंदर जो निकल कर आती है, तो ये कानून इनके द्वारा बनाया गया दुनिया को देखने के लिए। अब अपनी ग्रेवान के अंदर झांक कर देखते नहीं है वो एक अलग बात है, और ये आज की बात नहीं है। इनके द्वारा काफी लंबे समय पहले यहां पर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट लाया गया था 1998 में, ठीक है। तो इस एक्ट के हिसाब से यहां पर इनके द्वारा जो यहां पर ये जिसके बारे में आप लोगों को बताया USCIRF जिसको बोलते हैं बेसिकली क्या यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि कहां कहां पर रिलीजन को लेकर फ्रीडम है, धर्म को लेकर फ्रीडम है, उसके बारे में यहां पर ये बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि जो ये यहां पर पर्टिकुलर एक ये बॉडी है ये किसके द्वारा यहां पर बेसिकली स्टैब्लिश की जाती है, तो इनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो यहां पर इसको स्टैब्लिश करते हैं, यानी कि इनके प्रेसिडेंट जो हैं वो खुद यहां पर कमीशन को अपॉइंट करते हैं। और इसके अंदर आप लोगों को कई सारे लोग देखने को मिलेंगे जो कि प्रॉपर एक एनालिसिस करते हैं अलग अलग कंट्री का कि अलग अलग देश में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कहां पर क्या क्या गलत चल रहा है और क्या क्या सही चल रहा है, उसके बारे में यहां पर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। तो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो अगर पर्टिकुलर कंसर्न अगर किसी को ये डेजिग्नेशन दे देते हैं यहां पर, तो उसके चलते यहां पर ये माना जाता है कि उस कंट्री के अंदर में बेसिकली इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से जो रिलीजन ऑफ फ्रीडम है उसका हनन हो रहा है। देखिए इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से तो अलग बात है, पर लेकिन अगर अपने देश के बारे में बात करें तो आप लोग याद रखिएगा हमारी कंट्री में संविधान के अंदर में पार्ट थर्ड में रखे गए आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। इस आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के तहत आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 जो है ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, हमारी कंट्री में कई बार न्यूज में आ चुका है, तो इसके चलते आप लोग कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इस रिपोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर कई सारी बातें बोली गई। इसमें ये बोला गया कि हमारी कंट्री में मुस्लिम सिख दलित या फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो काफी सारी दिक्कत में हमारी कंट्री में देखने को मिलेगी, उनको बेसिकली कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है वो कई सारे लोगों के खिलाफ यहाँ पर लाया जाता है जिसके चलते यहाँ पर ये इश्यू देखने को मिलता है। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर अगर बात करें पर्टिकुलरली जो मुस्लिम है, मुस्लिम और क्रिश्चियन के बारे में आप लोग बात करें तो एक तरीके से इनके ऊपर कई सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनके द्वारा ये बोला गया अभी ना से कर्नाटका के अंदर में कई सारे इश्यू निकल कर आए, वो सब चीजें जो आप लोगों ने सुनी रिसेंटली अभी, तो इसके चलते यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गलत तरीके से चीजों को ट्रीट किया जा रहा है। तो इनके हिसाब से यहाँ पर माने तो ये बोलते हैं कि हमारी कंट्री जो है उसमें रिलीजन जो है माइनॉरिटी जो है वो खतरे में है, ये इसलिए यहाँ पर इनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर इनके द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर ये भी अगर बात करें यहाँ पर तो क्या इनके हिसाब से 15 कंट्री तो इनके द्वारा इसके अंदर डाल दी गई है, पर लेकिन क्या यहाँ पर ये बाइंडिंग है अगर ये यहाँ पर ये जो सारा मुद्दा रखते हैं
तो यूएसए की जो ये पर्टिकुलर कमीशन है ये रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, तो क्या ये प्रेसिडेंट के ऊपर रिपोर्ट बाइंडिंग है? अब रिपोर्ट बाइंडिंग कैसे होगी भाई साहब, रिपोर्ट तुम प्रस्तुत कर रहे हो किसी और देश के बारे में प्रस्तुत कर रहे हो, और आप लोगों ने मान लीजिए मान भी लिया, आप लोगों ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, सामने वाला मानेगा? एस जयशंकर साहब ने साफ साफ बोल दिया कि यूएसए थोड़ी ना कोई यहां पर भगवान हो गया यार, यूएसए 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 अपने कानून बना रहे, समझ में आता है? यूएन ने थोड़ी ना बना दिया है, यूएन बनाएगा तो हम लोग मानेंगे, कार्ड सा बना रखा है यूएसए ने, ठीक है, कि हाँ जो भी हमारी जो दोस्त है किसी और के साथ में अगर व्यापार करेंगे जो मेरे दुश्मन है तो मैं उसके ऊपर सेंक्शन लगा दूंगा। यानी कि यूएसए का यह मानना है कि अगर रसिया ईरान नॉर्थ कोरिया के साथ में कोई व्यापार करता है तो हम लोग उनके ऊपर सेंक्शन लगा देंगे। अरे लगा लो यार तुम सेंक्शन, ऐसे तो सेंक्शन हम भी तुम्हारे ऊपर लगा देंगे अगर तुम जो है कुछ ऐसी हरकतें करोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि यूएसए अपने आप को सोचता है कि वो इस दुनिया का भगवान है, वो इस दुनिया को चलाएगा। ऐसे ऐसी रिपोर्ट यहाँ पर ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहता है टाइम टू टाइम, सप्रेस करने के लिए, कंट्री को प्रेशर में डालने के लिए ऐसी हरकतें इसके द्वारा की जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये रिपोर्ट आती है आप लोगों के सामने, तो अभी भी ये रिपोर्ट इनके द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसके चलते यहाँ पर ये बातें हमारे बारे में लिखी गई है। पर लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये बाइंडिंग नहीं होती है किसी के ऊपर भी, ठीक है, इसका रेफरेंस लेकर ये बेसिकली बेइज्जती करते हैं। ये वही वाली बेइज्जती है जब आप लोग कुछ कर नहीं रहे होते हैं और रिश्तेदार आप लोगों को कहीं मिल जाए शादी विवाह में और क्या कर रहा है आजकल, ठीक है, वो वाली बातें नहीं होती है, वैसे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, जनता के सामने बेइज्जती कर देंगे कि हाँ देखो कुछ नहीं कर रहा अब तक इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही वाली बेइज्जती जो है ये यूएसए करता है दुनिया की, देखो ये कुछ नहीं कर पा रहे और इस तरह की हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये है बेसिक मुद्दा जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं जिसके चलते यहाँ पर ये इशू देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। और जो अभी आप लोगों को यहाँ पर ये पोर्शन बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अरे हाँ यार फिर भूल जाता हूँ, क्विज है आज का आप लोगों का, अभी फ्रांस के इलेक्शन के बारे में दो तीन आर्टिकल है जो कि कवर करने कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, उनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बेसिकली बात किसके बारे में की जा रही है ये क्विज आप लोगों का देखने को मिलेगा, कल का क्विज है उसका आंसर आप लोगों के सामने, और डेली एक पिक्चर आती है यहाँ पर पहचानने के लिए, ये पिक्चर किसकी है ये आप लोगों को पहचानना है, ठीक है, यानी कि ये पिक्चर किसकी है क्या दर्शाती है आप लोगों को पहचानना है। और अगले दिन जो है सबके आंसर भी यहाँ पर इनके द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं सारे आंसर यहाँ पर कल वाले जो है इनके द्वारा एक एक कर दे दिए गए। तो ये मैं SLB PDF वाले टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा, वहां पर जाकर आप लोग इनको देख लेना ताकि चीजें जो है अच्छे से आप लोग फॉलो कर सको, ठीक है, और वहां पर उसको आप लोग एक तरीके से अच्छे से अपनी सही तरीके से पैटर्न में लेकर चल सकते हो, ठीक है। ये न्यूज इन नंबर है, हालांकि सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती है पर कई सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी होती है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। जैसे रियल इस्टेट ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, 65,000 ये यहाँ पर करोड़ अभी एक्सपेक्टेड किया जा रहा है ग्रोथ इंडियन रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर में 2040 तक का, तो ऐसी एक रिपोर्ट यहाँ पर सामने निकल कर आई है जिसके चलते आने वाले टाइम में यहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि स्विच कर रहे हैं पार्टीज 2022 में, तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों को। मैंने अभी यहाँ पर पर्टिकुलर बात की थी किसके बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है, उन्हें आयाराम गयाराम वो वाली बातें। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा और मणिपुर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर अभी आप लोगों ने इलेक्शन देखे और इसके चलते यहाँ पर कई सारे लोग जो है यहाँ पर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में था। एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं, जैसे अभी इलेक्शन हुए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला चैप्टर, इसी के साथ में एंटी डिफेक्शन लॉ वाला चैप्टर जो कि मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया, ये जो चैप्टर है ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको छोड़कर नहीं जाना है, एग्जाम में जाओगे तो इनको कवर करके जाना, रिविजन करके इनका जरूर जाइएगा, ठीक है, सर्च कर लेना यहाँ पर जो भी बेसिकली पर्टिकुलर जो चैप्टर होता है, जैसे पॉलिटी में जाओगे गवर्नर बाई वीर लिख देना तो आप लोगों के सामने वहां पर खुलकर आ जाएगा, ठीक है, तो उसको आप लोग रिवाइज जरूर किया कीजिए कोई भी चैप्टर अगर न्यूज में है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सारी चीजें जो है ये रेगुलरली आप लोगों की आती है न्यूज में। जैसे सिटीजनशिप बहुत ज्यादा न्यूज में है तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो पार्ट सेकंड में आप लोग जाओगे तो सिटीजनशिप के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो उसमें आप लोग उसको जाकर कवर करना है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे अभी आप लोगों से बात करूंगा, 44th अभी यहां पर एक आर्टिकल है जो कि आप लोगों से अभी बात भी करूंगा आगे, ठीक है, उसके बारे में आप लोग समझ पाएंगे, तो उसके चलते आप लोग याद रखिएगा। जैसे अगर यहां पर चलिए अभी बताऊंगा, अभी एक मिनट पहले इसको सुनिए, ठीक है, फॉरनर जो विजिट किए इंडिया में 2020 में जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो 32 लाख के करीब यहां पर विजिट किए हैं, ठीक है, तो आप लोग देखते हैं ये काफी बड़ी बात है, यहाँ पर इतना कंप्लीट चीजें होने के बाद भी फिर भी यहाँ पर इतने सारे लोग विजिट करें, काफी सारे यूएसए से, इसी के साथ में बांग्लादेश से काफी संख्या में आते हैं, अफगानिस्तान, पुर्तगाल, अलग अलग कंट्री से आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो नंबर ऑफ जो एक तरीके से डोज जो दिए गए, तो 4.64 लाख इन नंबर आप लोग को देखने को मिलेंगे बिटवीन द एज ऑफ 18 से 59, ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। 108 के करीब नंबर में फॉर्मर जो सिविल सर्वेंट हैं, यानी कि जो सिविल सर्वेंट रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को यहाँ पर लिखा है
कि मोदी जी जो पॉलिटिक्स के अंदर हेट स्पीच है बेसिकली उसको थोड़ा सा टैकल किया जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर हेट स्पीच कई बार देखने को मिलती है, ये इसके चलते यहां पर इसको रोकने की बात की जा रही है। तो इसी के बारे में इनके द्वारा ये एक ओपन लेटर लिखा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, ताकि यहां पर इन चीजों को जो है वो कंट्रोल किया जाए देश के अंदर में। तो ये काफी एक बड़ी बात है यहां पर कि जो हमारे पुराने जो ऑफिसर्स हैं यहां पर वो इस चीज को लेकर कंसर्न है कि देश के अंदर क्या चल रहा है और उसके ऊपर यहां पर थोड़ी रोक लगाई जाए। तो इसको लेकर यहां पर ये आर्टिकल है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। इसी के चलते यहां पर जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, अभी आप लोगों से जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, दो आर्टिकल एक देखने को मिलेंगे। एक तो यहां पर अभी जो इंपॉर्टेंट जो बात निकल कर आ रही है वो है यहां पर साउथ कोरिया के द्वारा अभी यहां पर ज्वाइन करने की बात की जा रही है क्वाड, और उसको एग्जामिन किया जा रहा है। क्या साउथ कोरिया को क्वाड जो है वो ज्वाइन करना चाहिए? अगर साउथ कोरिया क्वाड ज्वाइन करता है तो आप लोग यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलेगी कि इसका नाम ही क्वाड है और क्वाड का मतलब चार होता है। और कौन कौन है यहां पर आज के बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो क्वाड इसी का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि चार पार्ट आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। साउथ कोरिया अगर जुड़ेगा यहां पर तो क्या इसका नाम चेंज होगा, फिर वो चीजें देखने को मिलेगी। क्वाड की अभी कोई पॉलिसी भी नहीं है यहां पर कि इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो साउथ कोरिया अगर यहां पर ज्वाइन करता है तो आने वाले टाइम में कई सारी चीज देखने को मिलेगी। अभी नए प्रेसिडेंट चुनकर आए, याद रखिएगा इनका नाम है यून सुक यूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार बन जाता है, फ्रांस के फिर से जो नए प्रेसिडेंट चुनकर आए उनका नाम क्या है बताइए जरा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर क्वाड जो है यहां पर उसको बात की जा रही है, उसके साथ मिलकर एक मिलिट्री पोजीशन स्ट्रेंथन हो जाएगी, क्योंकि आज के डेट में कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि चाइना से खतरा एक तरीके से फील कर रही है। तो यहां पर चाइना को टैगल करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल की चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन क्वाड क्या यहां पर अलाउ करेगा यहां पर अपने आप को इस तरीके से एक्सटेंड करना, वो देखने वाली बात होगी। अभी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में। अगर बात की जाए तो यहां पर याद रखिएगा चार कंट्री हैं यहां पर फ्री, ओपन और प्रोस्परस इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात करते हैं। आइडिया जो क्वाड का पहली बार यहां पर आया था जापान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पर शिंजो आबे साहब, उनके द्वारा यहां पर ये आइडिया दिया गया था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है स्टार्टिंग में यहां पर हालांकि निकलने की कोशिश कर रहा था यहां पर चाइना के प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, पर फिर आगे चलकर डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायलॉग के तहत यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिली। और 2017 में यहां पर चारों कंट्री मिलकर साथ में आ गई और यहां पर बोला गया चाइना को टैगल करने की कोशिश किया जाएगा। क्वाड को लेकर कई सारी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती है, कई सारे एरिया में काम करता है, इकोनॉमिक, हेल्थ, साइबर स्पेस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, ढांचागत विकास करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वाड का ही मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के दिन में। तो क्वाड काफी अच्छे लेवल पर यहां पर काम करता है। अभी अगर क्वाड के बारे में और बातें की जाए तो यहां पर क्वाड और अच्छे लेवल पर एक तरीके से बात की जा रही है। इंडिया के द्वारा टोटल ट्रेड जो क्वाड का पार्टनर के साथ में 108 बिलियन है 2021-2021 के बारे में बात करें। ठीक है, ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी आप लोग अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, जो बैरियर है उसको कम करने के बारे में बात करें, ढांचागत विकास के बारे में बात करें, तो क्वाड के कई सारे प्रायोरिटी एरिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात की जा रही है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में। तो इसमें इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यहां पर टैकल किया जा सके किसको, चाइना को। ठीक है, तो याद रखिएगा SCRI के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये तीन कंट्री यहां पर मिलकर काम करें क्योंकि COVID-19 के चलते चाइना की खस्ता हालत हो गई, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग चीजों को नॉर्मलाइज कराया जाए। ठीक है, तो उसके चलते यहां पर ये एक तरीके से लाइक माइंडेड कंट्री साथ में आ रहे हैं टैकल करने के लिए। तो एक क्वाड का मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। एक और यहां पर एक मुद्दा निकल कर आ रहा है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। बिहार के अंदर में अभी क्या हुआ, बेसिकली वीर कुंवर सिंह जिनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 23 अप्रैल, और इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो 28 अप्रैल में यहां पर सेलिब्रेट की जाती है। तो इसके चलते यहां पर बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातें की गई यहां पर, जो यहां पर जब यहां पर इसका सेलिब्रेशन चल रहा था कि बिहार के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको इंप्लीमेंट यहां पर करना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले तो वीर कुंवर जो वीर कुंवर सिंह है इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा किया गया, खासकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पर। तो इसलिए यहां पर इनके यादगार में 23 अप्रैल 1966 में कॉमेमोरेटिव स्टैम्प जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा। यहां पर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई अरहा में 1992 में। वीर कुंवर सिंह सेतु यहां पर बनाया गया, बेसिकली एक ब्रिज बनाया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा बिहार के अंदर में 160वीं एनिवर्सरी पर, यहां डेथ एनिवर्सरी पर यहां पर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो बेसिकली यहां पर हाइडिंगे पार्क जो है वो यहां पर एक तरीके से ये इनसे कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पार्क को ऑफिशियली रीनेम किया गया वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क। ठीक है, तो ये इसके बारे में बातें हैं। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहां पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 44 जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं। जो हमारी कंट्री में गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो और राज्य के अंदर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं ला सकते? इसका मतलब क्या होता है, सबके लिए यहां पर यूनिफॉर्मिटी हम लोग को लेकर आनी है।
तो डीपीएसपी के अंदर आप लोग पार्ट फोर के अंदर में 44 जो आर्टिकल है वो बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। इसी के ऊपर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बहुत ज्यादा जद्दोजहद की गई थी, पर लेकिन इसको सक्सेसफुली नहीं इंप्लीमेंट कर पाए थे। तो ये बार बार बात किया थे कि इसको लेकर ढंग से चलना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। तो मुस्लिम मैन जो है गोवा के अंदर में यहाँ पर कई शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको अलाउ नहीं यहाँ पर, तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा। हिंदू कोडिफाइड लॉ जो है यहाँ पर देखिए पूरा, अगर आप लोग यहाँ पर बताया जाए ना, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, ये मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस, एडप्शन, ये सारी सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो है इसमें यहाँ पर एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की जा रही है। और आज से नहीं, यहाँ पर 1954 में यहाँ पर इसको पास करने की कोशिश की गई, फिर 56 में, 86 में, 2003 में भी यहाँ पर कुछ बातें की गई, एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा भी इसको सपोर्ट किया गया, पर लेकिन फिर भी चीजें नहीं चल पा रही हैं आगे। अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि यहाँ पर इसको बेसिकली इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखिएगा, कई बार घूम घूम कर सामने आता है और इसको बार बार इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ओके। तो ये थी इसके बारे में बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इन आर्टिकल्स को लेकर क्लैरिटी आई होगी, कन्फ्यूजन हो तो बताएगा जरूर। अभी अगर बात की जाए कुछ प्रीलिम्स फोकस अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो सबसे पहले बात की जा रही है एक्ट अगेंस्ट कम्युनल जो हेट स्पीच है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर दो राज्यों को बोला गया है अभी यहाँ पर, जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वहां पर अगर कोई भी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है तो उसको यहाँ पर रोकना चाहिए। और हेट स्पीच क्या होती है वो सारी बातें मैंने अभी आप लोगों को बताई है, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर बात करेंगे, तो COVID-19 को लेकर यहाँ पर बातें की जा रही है जो बच्चे हैं उनके लिए, तो यहाँ पर उसके चलते यहाँ पर उनके लिए बेसिकली कोर्बेवैक्स और इसी के साथ में यहाँ पर कोवैक्सीन ये क्लियर की गई इमरजेंसी यूज के लिए दवाइयाँ, तो यहाँ पर ये प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ जो यहाँ पर डायरेक्टर जो सॉरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में बातें करते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अभी हमारी कंट्री में नया आईटी कानून आने वाला है मई के महीने तक, तो ये एक अच्छी चीज होगी, देखते हैं क्या क्या चीजें उसके अंदर आती है निकलकर, ये बातें यहाँ पर बताई गई है। ये पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर जो बातें की गई हैं उनके द्वारा बोला गया जितने भी मिनिस्टर हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ताकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनाई जा सके। आईएएस हो गए, पीसीएस ऑफिसर्स हो गए, सबको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर की जाए ताकि कल को चलकर कोई भी घपला ना करे, और जो भी घपला करेगा यहाँ पर बेसिकली उसको जो है उसी के हिसाब से टैकल किया जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 1500 करीब इलेक्ट्रिक बसें जो है ये यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई हैं दिल्ली गवर्नमेंट को, तो उसके बारे में बातें की जा रही है, तो एक अच्छा एक आप लोग बोल सकते हैं सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर जो कि किरण बेदी जी है उनको यहाँ पर एक कमेटी का हेड बनाया गया, और ये कमेटी का हेड किस लिए बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर बेसिकली दिल्ली के अंदर में, वहां पर दो इंसानों को जानवरों की तरीके से रखा गया, एनिमल लाइक कंडीशन में उनको रखा गया, तो उसका एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर चीजों को रखा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब संविधान के अंदर जाएंगे पार्ट थर्ड के अंदर फंडामेंटल राइट के अंदर में आप लोग वहां पर, तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आप लोगों को वहां पर देखने को मिलते हैं। तो 23 में अगर कोई यहाँ पर बंधवा मजदूरी कुछ इस तरीके की हरकतें करता है यहाँ पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलती है इनह्यूमन कंडीशन अगर प्रोवाइड कराता है, और 24 में चाइल्ड लेबर के लिए बातें की जाती है, तो दोनों आर्टिकल बार बार कई बार न्यूज में आते हैं, तो इसके चलते यहाँ पर इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पंजाब जो है उसके अंदर अगर बात करें तो प्राइवेट जो वीट का परचेज है वो भी यहाँ पर बेसिकली बढ़ता जा रहा है, तो इसके चलते आप लोगों को पता है अभी प्राइवेट वीट जो है उसकी जो है मैक्सिमम यहाँ पर प्राइस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी रसिया और यूक्रेन का भी इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते भी यहाँ पर ये मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो गेहूं एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री थी रसिया और यूक्रेन, 25% दुनिया का अगर गेहूं एक्सपोर्ट कोई करता था तो वो था रसिया और यूक्रेन के 1/4, पर लेकिन अभी यहां पर उनकी खस्ता हालत हो रखी है तो वहां से कुछ चीजें हो नहीं पा रही है, तो इसकी वजह से यहां पर ये इशू देखने को मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोलेगा रिस्टोर करने के लिए आर्टिकल 370, यानी कि महबूबा मुफ्ती साहब जो है महबूबा मुफ्ती जी जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो बोल रही हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो रिस्टोर कर दिया जाए। अभी आप लोगों को बता दूं यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पहुंच गया है यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल 370 का, कि सुप्रीम कोर्ट सुनेगा कि सही इसको हटाया गया या फिर गलत हटाया गया, तो उसके बारे में बातें करेगा। तो मुफ्ती जी बोल रही हैं कि यहाँ पर उसको हटाया गया तो उसको फिर से रिस्टोर करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आर्टिकल 370 जो है रिस्टोर करना चाहिए यस या फिर नो? अगर कोई आप लोगों से इसके बारे में पूछे तो आप लोग यहाँ पर इसको क्या बोलोगे, यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे, आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों की क्या राय है ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में मंदिर के सामने भी क्यूआर स्कैन कोड होगा, आप लोग वहां से जाकर एंट्री और पेमेंट कर सकते हैं,
तो ये यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये इस तरीके की चीजें जो कोच्चि में आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो कोच्चि में बेसिकली यहाँ पर ये QR स्कैन किया जा रहा है। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पर। अभी एक बच्चा कह रहा था टॉयलेट के अंदर में QR स्कैन कर जाना पड़ता है, पैसे वगैरह डालने पड़ते हैं, इनको बेसिकली डिजिटल बोल रहे हैं। तो कितना डिजिटल है यहाँ पर ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर अभी जो यूक्रेन वॉर को लेकर अभी यहाँ पर एक बेसिकली बात की जा रही है एस जयशंकर साहब के द्वारा कि इसमें कोई भी विनर नहीं होगा, यानी कि यूक्रेन वॉर एक तरीके से यहाँ पर एक ऐसी वॉर है जिसमें कोई जीतने वाला नहीं है। यहाँ पर कहने के लिए जीत होती है बेसिकली, पर लेकिन रियलिटी में काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर वेस्ट जो है वो भी लग गए हैं यूक्रेन के पीछे, आप लोगों को पता है। यहाँ पर आप लोगों को अगर बताऊं अभी यहाँ पर तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर कि USA जो है वो होस्ट कर रहा है वेपन समिट, एज मॉस्को के द्वारा वॉर्न किया गया वर्ल्ड वॉर सेकंड होने, जो वर्ल्ड वॉर होगा यहाँ पर, अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो थर्ड होगा यहाँ पर ये, तो इसके चलते ये इसको बेसिकली देख रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पर जो कंट्री है यहाँ पर एक तरीके से वीटो पावर के बारे में बात की जा रही है कि यूक्रेन के मुद्दे को लेकर यहाँ पर UN क्या कर रहा है, ठेंगा दिखा रहा है सबको, इनके UN कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर क्या वीटो पावर को जस्टिफाई किया जा रहा है कि अब वीटो पावर इसी पर्पज के लिए यहाँ पर कि जब यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर सब हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाए, तो इसको कैसे सोल्यूशन निकालना है, तो उसके बारे में बातें नहीं की जा रही है। तो उसके बारे में आप लोगों को बातें करनी चाहिए। तो वीटो पावर किस आर्टिकल के अंदर है यहाँ पर UN के अंदर में, ये आप लोग बताइए, ठीक है। इसी के साथ में 3 चाइनीज और इसी के साथ में 4 पाकिस्तानी मारे गए यहाँ पर, ये एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ उसके बारे में बात की जा रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आसपास में काफी सारी हरकतें देखने को मिल रही है इनकी। चलिए जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नेटफ्लिक्स का मजा लेने के ऊपर आ गई अभी, और वो भी देश के लिए बेसिकली यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी आजादी का अमृत महोत्सव। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर 2 मिनट की फिल्म बना रही है यहाँ पर, जिसके चलते हम लोग सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छा तरीका है अपनी कंट्री की जो चीजों को सेलिब्रेट कराने का, अपनी कल्चर को सेलिब्रेट कराने का, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आर्टिकल 370 वाला इशू जो है सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। अभी हिजाब वाला जो इशू है वो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है। तो यहाँ पर फिर से आप लोगों का जो हिजाब वाली रिलीजन वाली चीजें आ गई न्यूज में यहाँ पर, तो याद रखिएगा यहाँ पर 25 से लेके 28 तक का, और माइनॉरिटी के राइट के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 39 और आर्टिकल 30, तो ये आर्टिकल का जो सेक्शन है ये याद रखिएगा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल तो चार्ट जाना बिल्कुल, ठीक है। फंडामेंटल राइट, DPSP और यहाँ पर जो बेसिकली जो नहीं एक तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी, ये कम से कम आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए एग्जाम में, इनको तो बिल्कुल ना उमदा करके जाना, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जिग्नेश ममवाणी है जिनके बारे में बात की थी, 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया इनको आसाम के अंदर में। ये रहने वाले गुजरात के एमएलए हैं बेसिकली गुजरात के, इनको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि मोदी जी के ऊपर इनके द्वारा कमेंट किया गया था। तो इसके चलते यहाँ पर इनको आसाम के अंदर ले गई पुलिस और 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। कई सारे चार्जेज इनके ऊपर लग चुके हैं, तो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कुछ ऐसा होगा इनके साथ में। चलिए जो भी है, ये काफी इंपोर्टेंट है हमारी कंट्री में। टैक्स टू जो GDP रेशियो है यहाँ पर उसका टारगेट रखा जा रहा है 15 से 20, करंट टाइम पर यहाँ पर 12 है, यानी कि हमारी कंट्री में जो टैक्स पे किया जाता है हमारे द्वारा और वो GDP में कितना जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। अलग अलग जो कंट्री है कई जगह काफी अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिलेगा उनकी कंट्री में, खासकर जो टैक्स इकट्ठा होता है अच्छा खासा होता है, पर लेकिन हमारी कंट्री में कलेक्शन इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया जाए थोड़ा सा और डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया जाए तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है, पर लेकिन उसके बारे में भी हम लोग कई सारी चीजें जो है वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में मस्त साहब जो है वो फ्री स्पीच को लेकर पूरा धनाधन लगे हुए हैं, तो देखते हैं कितना फ्री स्पीच यहाँ पर कर पाएंगे। जो ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू यहाँ पर कमाती है 4.51 बिलियन 2021 में इसके द्वारा कमाया गया। अभी सब्सक्रिप्शन मॉडल भी यहाँ पर लाने की बात की जा रही है ट्विटर पर, यानी कि ट्विटर पर भी आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है। तो ये कैसे चलेगा अभी यार इसके बारे में पता नहीं है, वो आएगा तो आप लोग देख लेना। मतलब ये भी बातें की जा रही है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो ट्विटर में ऐड कर दिया जाए। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कि ऐड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये आप लोग यहां पर बता सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल यानी कि सब्सक्राइब करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग उसको यूज कर पाएंगे। अब वो किसके लिए कितना करना पड़ेगा क्या होगा वो अभी पता नहीं है, पर हाँ र्यूमर उड़ रहे हैं कि इलोन मस्क जो है पैसा लगाए हैं तो उसको अभी यहां पर बेसिकली निकालेंगे भी, तो ये काफी बड़ी बात है। तो देखते हैं कितना पैसा निकालते हैं और कितना लगाए हैं वो अभी आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी यहां पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आप लोगों की जिंदगी से रिलेटेड हो, यानी कि आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड हो, आप लोगों का शादी के बारे में बात करें, आप लोगों की प्राइवेसी के बारे में बात करें, ठीक है, मैरिज के बारे में अगर बात की जा रही है, प्राइवेसी के बारे में बात की जा रही है, अच्छे इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, आप लोगों की हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, तो अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल निकल कर आते हैं यहाँ पर तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ के बारे में बात की जा रही है।
तो राइट टू लाइफ, आप लोगों की जिंदगी किस तरीके से सर्वाइव करती है, तो उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें बोली जा रही है कि हाँ उसका डायरेक्ट आप लोगों की जिंदगी से, यानी कि जैसे आप लोग पैदा हुए, आप लोगों की प्राइवेसी आप लोगों के साथ ही पैदा होगी। तो ये केस पुत्रस्वामी केस के द्वारा साफ साफ बोला गया है। तो यहां से क्या समझ में आता है कि इंसान की प्राइवेसी जो है वो उसके साथ में पैदा होती है, तो उसको हनन आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21 यहां पर इसके बारे में बातें कर रहा है साफ साफ, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो पार्ट थर्ड के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, कई बार स्टेट पीसीएस के अंदर इनको मैच करने के लिए आ जाता है, तो उसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन यहां पर आते हैं, काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ाया था। बेसिकली अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन हो चुका है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये 1952, 1963, 1973, तो यहां पर जब भी एक तरीके से जनगणना होती थी तो डिलिमिटेशन कमीशन आप लोगों को देखने को मिलता था। 1981, 1991 में यहां पर नहीं देखने को मिला। अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, इसके अंदर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर इसका सी हो गया। क्यों है न्यूज में यहां पर ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली अभी जो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो सीटों का बंटवारा किया गया, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। कल को कोई क्वेश्चन बन जाए आप लोगों से इसके बारे में, तो आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं नोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। नोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बेसिकली आप लोगों से अगर पूछा जाए कहां पर है, तो ये बाल्टिक सी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाल्टिक सी बेसिकली यहां पर ये हो गया, ये रशिया से निकलकर यहां पर जर्मनी के अंदर जा रही थी, जिसके थ्रू गैस की सप्लाई इनके द्वारा की जा रही थी। तो इसके चलते नोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में थी यहां पर ये। तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और ये जो है काफी लंबे समय से बोला जा रहा था कि यहां पर ये नोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पूरी नहीं होगी, तो यूक्रेन के चलते यहां पर ये पूरा मुद्दा सामने आ गया। हालांकि रशिया के ऊपर पहले से भी सैंक्शन लगे हुए थे यहां पर इस पाइपलाइन को लेकर, यूएसए नहीं चाह रहा था ये पूरी हो जाए, पर लेकिन जर्मनी और यहां पर यूरोप की कंट्री की खस्ता हालत हो जाती है अगर ये पाइपलाइन काम न करे। क्यों? क्योंकि ये पाइपलाइन जो है काफी लार्ज स्केल पर गैस प्रोवाइड कराती है बेसिकली यूरोपियन यूनियन के अंदर, और ये यहां पर अभी बैन कर दी गई है, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है आने वाले टाइम में भी। और अभी भी यहां पर काफी ज्यादा हाई प्राइस आप लोग गैस के यहां पर इन कंट्रीज के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार यहां पर चीजें न्यूज में आ रही है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। कल को यहां पर कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कई सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए, अगर कल को आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो एक मोटिवेशनल कोटेशन हम लोगों ने देखी, एग्जाम में कोटेशन आप लोग ये बन सकती है। तीनों क्वेश्चन उसके आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आप लोगों को बता दिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कल को चलकर आप लोगों के माइंड में उसको लेकर। ठीक है, ये क्विज हो गया, ये न्यूज इन नंबर्स हो गया आप लोगों की। ये ट्विटर के दो आर्टिकल थे, एक तो यहां पर ये था और एक एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिला, डिटेल में डिस्कस किया। एक हम लोगों ने यहां पर ये यूएसए की जो रिपोर्ट है उसके बारे में ये एडिटोरियल था, इसमें मैंने दो आर्टिकल आप लोगों की कवर किए। स्पीच के बारे में एक्स्ट्रा भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो सारी प्रोवाइड कराई यहां पर ये। ठीक है, हेट स्पीच और ये सारी चीजें जो कि स्टडी क्वेश्चन भी कल को आप लोगों का बन जाए, तो आप लोग कंफ्यूजन इसके बारे में नहीं होना चाहिए। तो सारी बातें एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस करी यहां पर, तो इस तरीके से सारी चीजें आप लोगों के सामने यहां पर। इसी के साथ में हम लोगों ने और भी आर्टिकल डिस्कस किए, जैसे मैंने आप लोगों से यहां पर बात की किसके बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप लोगों से बातें की, तो यहां पर इससे क्वेश्चन आप लोगों का बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने जो बातें की यहां पर क्वाड के बारे में बातें की कि साउथ कोरिया जो है वो क्वाड को ज्वाइन करने की बातें कर रहे हैं, तो उसके चलते आप लोग क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने न्यूज में कई सारे क्वेश्चन देखे यहां पर, जैसे कि यहां पर कम्युनल वायलेंस के बारे में बात की जा रही है, बच्चों की दवाइयों के बारे में बात की जा रही है, यूपी में यहां पर बेसिकली डिक्लेयर करने की बात की जा रही है सीट्स, इसके साथ में इलेक्ट्रिक बस की बात की जा रही है, एक कमेटी किरण बेदी से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस की, पंजाब में गेहूं के बारे में बातें की, आर्टिकल 370 के बारे में बात की जा रही है, क्यूआर स्कैन कोड मंदिर के ऊपर यहां पर होना चाहिए नहीं, ये कोई जीतने वाला नहीं है इस बार से ये बातें की गई यहां पर, हिजाब इशू जो है आ रहा है कोर्ट के अंदर में, ये भाई साहब जिग्नेश ममानी साहब को लेके ट्विटर में यहां पर ये आप लोगों को दिखाया मैंने। ठीक है, नेटफ्लिक्स के बारे में हम लोगों ने बात की, वेपन समिट के बारे में बात की, इसी के साथ में क्या क्या ब्लास्ट हो रहे हैं और ये सब चीज़ें, और वीटो पावर क्या यहाँ पर चेंज होना चाहिए, किस किस के पास में वीटो पावर है तो आप लोगों को बताइए, लिख लेना कमेंट बॉक्स में एक बार रिवाइज कर लेना। इसी के साथ में टेक्स्ट में क्या क्या रेशो होना चाहिए उसके बारे में कुछ बातें की, ट्विटर को लेकर कुछ फ्री स्पीच के बारे में बात की, और ये है आज का आप लोगों का सुडोकू का आंसर, ये कल का, और ये आज का सुडोकू थोड़ा सा टफ होगा, 5 उसका है स्टार का, लेकिन कोशिश जरूर करिएगा। तो आज का डिस्कशन इतना ही है, यहीं तक आज का डिस्कशन रखते हैं, जो भी बचेगा देखिए टेंशन मत लेना, मैं जैसे ही संडे सैटरडे में आप लोगों की सारी चीजें कवर कर दूंगा उसको लेकर आप लोग बेफिक्र रहना। ठीक है, बाकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।